The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Right. So if you smoke, agar cigarette, bidi, tambaku, paan, supari, kisi bhi cheez ki lat lag gayi hai. और पता है कि ये गलत है, गंदा है, जान चुके हो, देख चुके हो हमारे सारे वीडियो इस पे कि भैया हार्ट अटैक तो आना ही आना है, कम उम्र में आ जाएगा, 50 की जगह 30 पे 40 पे आ जाएगा, कैंसर तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बुढ़ापे तक इफ़ेक्ट रहेगा, हड्डियां नहीं बनेंगी, मसल नहीं बनेंगे, राइट। तो अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो अगर छोड़ना चाहते हो तो लेट मी टेल यू सम टिप्स कि भाई कैसे कर सकते। यस, नंबर वन, ऑब्वियसली इफ़ यू डोंट वॉन्ट इट योर सेल्फ, अगर खुद नहीं चाहते तो नहीं छोड़ सकते। ऑब्वियसली बात है, किसी के दूसरे के चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो छोड़ना तो छोड़ सकते हो और उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। पहला, सबसे पहला आपने निकोटीन को रिप्लेस करना है, निकोटीन च्युइंगम्स ले लीजिए। जी हाँ, निकोटीन इज द वन जिससे आपको डिपेंडेंसी सिम्टम्स आएंगे, तो निकोटीन च्युइंगम खाने से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। उसको प्रिस्क्रिप्शन पे च्युइंगम आते हैं, नेजल स्प्रे आते हैं, इनहेलर आते हैं, पैचेस आती हैं, लोजेंजल्स आती हैं, तो निकोटीन बहुत कुछ आ सकते हैं, राइट। सो नॉन निकोटीन एंटी स्मोकिंग मेडिकेशंस भी आती है, बुप्रोपियोन जैसी, राइट, और वेरनी सिलाइन करके, और निकोटीन च्युइंगम्स ले सकते हो, ठीक है। कई लोग सोच के इलेक्ट्रिक सिगरेट पे चले जाते हैं, बट वो भी बिल्कुल सेफ नहीं है, याद रखिएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी रॉन्ग, सो डोंट डू दैट। स्मोकिंग बंद करना है तो पहले निकोटीन रिप्लेस करो कि बॉडी निकोटीन के वजह से डिपेंडेंसी विड्रॉवल पे ना जाए। नंबर दो, आर यू हैव टू अवॉइड योर ट्रिगर्स। कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है कि मैं जब सिर्फ दोस्तों के साथ होता हूँ तब स्मोक करता हूँ, जब पीता हूँ तब स्मोक करता हूँ, जब ब्रेक लेता हूँ तब स्मोक करता हूँ, व्हाटएवर, अवॉइड दोज ट्रिगर। दोस्तों के साथ बैठते हो, पार्टीज हैं, बाहर है, मत जाओ वहाँ पे, राइट। ड्रिंक के साथ पीते हो, मत ड्रिंक करो, अवॉइड द ट्रिगर, व्हाटएवर इज कॉजिंग यू कि भाई इस समय पीता। फिर लोगों को फिर भी मन करता है, फिर क्या करें, मन कर रहा है, 10 मिनट बोलो अपने आप को कि रुक जाओ, 10 मिनट बाद टेक 10 मिनट्स यार, डिले करो उसको, और वो 10 मिनट कुछ और करो, समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट यू, राइट। कोई ऐसी जगह चले जाओ, थोड़ी पब्लिक प्लेस, स्मोक फ्री जोन, ऐसे सिंपल ट्रिक्स जो है आपको वहां से हटा देंगे कि जहां आप खुद स्मोक कर सको। फिर कुछ मुंह में रखो, च्यू समथिंग, कुछ शुगरलेस गम हो गई, कोई कैंडी, हार्ड कैंडी, कुछ चबाने वाली चीज ऐसी रखो जो आपको पसंद हो, सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड, या कुछ क्रंची सेटिस्फाइंग सी चीज जो आपको सेटिस्फाई करे जब भी आपको क्रेविंग हो रही है। ये मत सोचो कि एक पी लेता हूं, नहीं, एक भी नहीं, एक पी, एक की क्रेविंग टेम्पटेशन में वो शुरू हो जाता है, फिर आप भैया खुद को बेवकूफ बना लो, दूसरों को मत बनाओ, ठीक है। एक से कुछ ऐसे ना बोलो, एक नहीं कुछ नहीं, ठीक है। देन यू हैव टू गेट फिजिकल, थोड़ा दौड़ो, थोड़ा जंप करो, थोड़े अपनी बॉडी को चैलेंज करो। फिजिकल चैलेंज इज द अदर एडिक्टिव थिंग जो आप अपनी बॉडी में डाल दोगे तो स्मोकिंग बंद कर सकोगे। फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल चैलेंज, रनिंग, राइट, स्टेयर्स, आउटबर्स्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर यू, राइट। अगर ऑफिस में स्टक हो, ऑफिस में बैठे हो तो स्क्वाट करो, दंड बैठक मारो, पुशअप्स करो, हेड लो करके क्या बोलते हैं, उल्टा खड़ा हो जाओ, आई डोंट केयर, जो आपसे कम करते बनता है वो करो, राइट। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सर्शन इज वेरी गुड, वो उससे आपके एंडोर्फिन्स निकलेंगे, आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस होंगे जो आपके लिए बेटर है, एब्सोल्युटली। एंड देन रिलैक्सेशन भी जरूरत है, फिजिकल एक्साइटेशन एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्स करो अपनी बॉडी को, मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मसल रिलैक्सेशन, मसाज, लिसनिंग टू म्यूजिक, काम चीजें, ऐसी चीजें करो। फिर भी लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा तो ऐसे किसी को बुला लो जो आपको रोक ले, कोई फैमिली पर्सन, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड करो, या कोई हेल्पलाइन नंबर होते हैं
कई कंट्रीज में है, कई सिटीज में है, उस पर फोन करो। ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम है कई जगह, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लो। अपने आप को याद दिलाओ क्या घाटा है, क्या प्रॉब्लम है स्मोकिंग में, व्हाट आर द साइड इफेक्ट, एट व्हाट डेप्थ्स इट कैन कॉज डैमेज योर हार्ट, योर लंग्स, योर लिवर, योर किडनी, योर ब्रेन, योर ब्लड वेसल्स, एथरोस्क्लेरोसिस, प्लैक्स, कैंसर, हार्ट अटैक्स, अस्थमा, ब्रोंकोस्पाज्म, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शंस, डिजीजेज। एंड देन थिंक अबाउट जो बेनिफिट आपको होगा अगर आप छोड़ दो। फीलिंग बेटर, गेटिंग हेल्दियर, गेटिंग फिट मसल्स, आगे चल के ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स यू विल रिटेन मोर मसल्स, यू विल नॉट हैव पेन्स वाइल वॉकिंग, राइट, यू विल बी स्पेयरिंग अदर्स, कई सारे लोगों को की हेल्प करोगे, अपनी फैमिली वालों के, उनके साथ ज्यादा दिन रह के पैसे बचाओगे स्मोकिंग के, दवाइयों के, इलाज के। नहीं तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस ले लो भैया, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, और उससे बड़ा ले लो लाइफ इंश्योरेंस। पैसे बचा नहीं सकते हो तो घर वालों के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दो, कि तुम ना बचने वाले अगर तुम स्मोकिंग ना बंद करोगे तो। ये सिर्फ भगवान की मर्जी है कि भाई कब किसको खींच ले। स्मोकिंग कर रहे हो तो तुम्हारी मर्जी है कि हम जल्दी जल्दी रख लटकना चाहते हैं। बता चुका हूं मैं उससे 10 से 20 साल कम हो जाएंगे आपके लाइफ के। फैमिली हिस्ट्री में या रिस्क फैक्टर्स में कोई हार्ट अटैक है तो वो और जल्दी आएगा और नहीं बच पाओगे। सो स्मोकिंग छोड़ने के लिए ये सब चीज़ें फिर से याद दिला रहा हूँ। निकोटीन च्युइंगम, निकोटीन पैच, निकोटीन वाली या कोई नॉन प्रिस्क्रिप्शन डी एडिक्शन वाली दवाई आप ले सकते हो ऑन प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, 10 मिनट लेके कुछ ऐसा करिए जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो पाए, राइट। अवॉइड द ट्रिगर, जितने भी ट्रिगर आपको स्मोकिंग की तरफ खींच के ले जाते हैं, और कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ खाते रहिए, चबाते रहिए, जो कि ऐसा नहीं कि मीठा खाए जा रहे हो, चॉकलेट कैंडी खाए जा रहे हो, मोटे होते जा रहे हो, वो भी गलत, वो नहीं करना। तो शुगरलेस कैंडी, हार्ड कैंजी, कैरेट, सेलरी, नट्स, सैलेड, जो भी आपको अच्छा लगे ऐसे में से कुछ, पीनट्स, ड्राई फ्रूट्स, और सिगरेट पीनी एक भी नहीं पीनी, बिल्कुल भी नहीं पीनी। फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, रिलैक्सेशन ट्राई करना है, मसाज करवानी है, बॉडी मसाज करना है, और दोस्त को बुलाना है अगर फिर भी नहीं पी रहे हो, मदद के लिए, भाई रोको, पीने के लिए नहीं, गो ऑनलाइन, गो ऑन कॉल फॉर सपोर्ट इफ यू डोंट हैव एनीबडी, एंड रिमाइंड योर सेल्फ वाई यू वॉन्ट टू क्विट, वॉट इज द हार्म इन कंटिन्यूस स्मोकिंग। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है टू स्टॉप स्मोकिंग। दैट्स ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक द लेक्चर, और आई होप यू विल शेयर द वीडियो। शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, ताकि लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही जानकारी मिल सके और इस जानकारी का वो फायदा उठा सके। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे और बहुत प्रकार प्रकार के वीडियोस हम बना चुके हैं, कृपया जाके सर्च कर सकते हो अपने पसंदीदा टॉपिक्स पे। बहुत ही जल्द विद इन द नेक्स्ट 1 month ऑफ मेरे ख्याल मार्च एंड अप्रैल में, अप्रैल तक हमारा एप्लीकेशन भी रेडी हो जाएगा, जिसमें आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, आपका हेल्थ का ख्याल रखा जाएगा। सो वो भी आप ज्वाइन करें, और दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक एवरीथिंग विच आई एम डूइंग, एंड इफ यू वॉन्ट हेल्प मी देन जस्ट कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग माई वीडियोज। दैट्स ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, गुड नाइट।